आ रही थी ओपन में, मैंने सोचा कामयाब मार के इनका किल उठा लेता हूँ, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो होने वाला है बहुत गलत सीन। उस बंदे ने स्प्रे दिया, हिल के साइड से भी फायर आया, मैंने यहाँ पे स्मोक निकाल के तुरंत ही स्मोक मारा। Literally guys, आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे आज के गेम प्ले में हुआ क्या। सबसे पहले तो ये मर्मोरियस एक्सूट वाला बंदा आया जो कि हमारे सामने इमोट कर रहा था, वो भी मेर आए, और उसके बाद आगे चल के गेम प्ले में विक्की को एक स्क्वाड मार देती है और उस स्क्वाड के अगेंस्ट में मैं अकेले बचता हूँ। एक्चुअल में विक्की दो बार मरता है और मैं यहाँ पे इस गेम प्ले पे अकेले बसता हूँ, और हमारी फाइट होती है मर्मोरियस एक्सूट से, दो दो स्क्वाड से, और एक जगह तो मैं पूरा ओपन में फंस जाता हूँ और भैया चारों तरफ से बंदे मुझे घेर लेते हैं, और वहाँ पे जो इम्पॉसिबल तरीके से मैं दिमाग लगाऊंगा आईक्यू, वो देख के आप लोग को मजा आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि भाई आज का गेम प्ले धमाकेदार नहीं भाई धमाकों से भरा पड़ा है। अब हम लोग जॉर्जो पुल में उतरते हैं और यहां पे हमारे साथ उतरती है एक स्क्वाड। अब उस स्क्वाड का एक बंदा तो हमारे पे था, इसको हम लोगों ने भर दिया, और आई थिंक सो इनका एक बंदा इन्होंने रिकॉल पे बैठा दिया था और बाकी के दो बंदे यहीं कहीं आसपास ही थे। तो यहाँ पे हमने फ्लेयर चलाई थी, हम फ्लेयर लूट रहे होते हैं कि भैया कोई समन कर देता है ड्रैगन को। अब मैंने यहाँ पे विक्की को बोला कि भाई जा तू गाड़ी ले ले लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया कोई कैम करके बैठा हुआ है लास्ट वाले वेयर हाउस में, और विक्की की यहाँ पे पेटी बन जाती है, वो भी बड़े आराम से। अब उसके बाद भाई साहब ये बंदा जो विक्की को नॉक फिनिश करता है कैम करके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इसको उठाता हूँ, और भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते हो इसके साथ क्या करने वाला हूँ मैं, बताओ अच्छा कमेंट में क्या करने वाला हूँ। चलो इसको मैंने उठाया, अब देखना आप लोग। और भाई यहाँ पे जो बंदा ड्रैगन को बुलाता है वो यहाँ पे रिवाइव टीममेट विश मांग लेता है, वो भी उसका सिर्फ एक ही बंदा नॉक किया था, फिनिश किया था हमने, एक तो यहाँ नॉक पड़ा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे भाई साहब इस बंदे को मैं अपने गाड़ी पे बैठाता हूँ, बोलता हूँ चल विक्की रिकॉल होगा और वही तेरे को अब सजा देगा, लेकिन ये बंदा बोलता है मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर बदला नहीं लेने देंगे हम किसी को अपने से, और वो बंदा कूद के वहां पे अपनी जान दे देता है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे और बंदे, अब भाई साहब ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको तो मैंने भर दिया, लेकिन इसके जो बाकी के टीममेट थे वो लेफ्ट साइड थे जो कि इसको कवर फायर दे रहे थे। भाई जिस बंदे ने भी ड्रैगन वाली विश मांगी थी ना रिवाइव टीममेट वाली, भाई कोई मतलब नहीं था भाई रिवाइव टीममेट का। यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई और लेफ्ट वाले बंदे को देखा मैंने, इस बंदे को एक हेडशॉट पड़ा, मैंने विक्की को बोला गाड़ी में बैठ डायरेक्ट चलते हैं इस बंदे पे। अभी हम लोगों ने इनके दो बंदे तो मार दिए थे, ये तो रिवाइव टीममेट वाला बंदा था और एक पहले मारा जिसको रिकॉल नहीं हुआ, अब एक बंदा यहाँ पे था। इन भाई साहब की भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दी पेटी, लेकिन अभी भी इस टीम का एक बंदा गायब था जिसको हमें ढूंढना था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं, तभी सामने से फुट्स आए तो मुझे लगा भाई बॉट अंकल ये बंदा है, लेकिन ये बॉट अंकल निकलते हैं। उसके बाद गाड़ी लेके हम लोग निकलते हैं क्योंकि भैया यहाँ पे किसी ने, हम वहाँ पे फाइट ले रहे थे और यहाँ पे किसी ने सेंड्रॉन समन कर दिया था, अब मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था तभी रस्ते पे देखो इस बंदे को नॉक किया, राइट साइड से एक और बंदा, मैं यहाँ पे अकेला ही था भाई, यहाँ पे मैं लिटरली 30 HP बचा, विक्की आ गया था तब तक, मैंने यहाँ पे हील किया, मैंने विक्की को कॉल दी, हील के साइड से कोई फायर कर रहा था क्योंकि लेफ्ट में गुलाबी ड्रेस वाले बंदे को जिसको मैंने नॉक फिनिश किया भाई उसको यहाँ पे किसी ने मारा था। तो हम यहाँ पे गाड़ी लेके निकले और तभी हिल पे बंदे हमें स्पॉट हुए, और लेफ्ट साइड भी DBS वगैरह चल रही थी, वही अपनी स्ट्रैटेजी यूज करी हम लोगों ने, गुमराह करने वाली स्ट्रैटेजी।
तो यहाँ पे विक्की मैंने बोला कि तू गाड़ी लेके स्कूल के साइड निकल, वो तेरे को मारने के लिए जैसे ही ओपन में आएगा मैं उसे नॉक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही उसे नॉक किया, एक और बंदा, अब इन दोनों बंदों को तो हमने फिनिश कर दिया, लेकिन यहां पे इस घर के साइड से किसी ने मेरा किल चोरी करने का ट्राई किया। अब भाई मुझे M4 चाहिए थी, क्योंकि DP भाई हम लोग बहुत कम यूज करते हैं और DP बहुत ही भारी गन है, मतलब उसको स्नाइपर की तरह यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहां पे मैं निकला इन बंदों पे रश करने के लिए, तभी सामने से एक और बंदे ने स्प्रे दिया। ये बंदा सीढ़ियों पे बैठा था, मैंने यहाँ पे सीढ़ियों पे मॉली करी, उसके बाद नीचे भी एक मॉली कर दी, मगर भाई ये बंदा दोनों मॉलियों से भाग के पैनिक रूम में आ गया। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया, मुझे लगा ग्रेनेड सुन के वो बाहर भागेगा, तो फुल कुक्ड ग्रेनेड फेंका था मैंने कि अंदर बाहर दोनों साइड डैमेज हो जाएगा बंदा, लेकिन वो इससे भी बच गया। नाम पढ़ रहे हो बंदे का, इरेज्ड ऑल। यस, अब यहाँ पे भाई हम लोगों ने देखा कि ड्रैगन समन करने का टाइम हो गया। वो खिड़की से कूदते टाइम भाई उस बंदे ने स्प्रे कमाल का दिया और मैं यहाँ पे हो गया 60 HP। अब समन करने के लिए हम आए जल्दी से ड्रैगन, और जल्दी से भाई साहब यहाँ पे सेंड्रॉन समन किया, उससे विश मांगी, और पीछे से जो बंदे उगली कर रहे थे, हमें लगा पहले दो बंदे हैं, लेकिन यहाँ जैसे आए दो बंदे मुझे स्पॉट हुए। मैं यहां पे कूदता हूं, अब यहां भाई हमें लगा था पहले दो बंदे हैं, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी स्क्वाड ही बैठी हुई थी। अब मैं विक्की को बचाने जा रहा था तो लेफ्ट से इसका टीममेट आ गया और भाई ये वाला बंदा ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे हील करता हूँ। और इस बंदे ने विक्की को फिनिश कर दिया। ओ भाई, ओ पीछे भी मुझे लगा कि नीचे बंदे नॉक होंगे, लेकिन नीचे अलग दो बंदे। अब सिर्फ इस टीम का एक ही बंदा बचा जिसने विक्की को फिनिश किया। तीन बंदे मैंने यहाँ पे नॉक कर दिए और भाई दो बार सेम बंदों को नॉक किया। मैंने यहाँ पे नीचे वाले पे कामेहामेहा यूज किया। अब यहां से मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड हो चुका था, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूं, मौली खींचता हूं कि ये बंदा निकले, घर के बाहर निकले, और तभी वो बंदा यहां से घर से बाहर निकलता है। और ये भाई साहब के टीममेट देखो कैसे फिनिश हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये कुछ नहीं कर सकता उन्हें बचाने के लिए, लेकिन ये यहां से भाग के गया पीछे, ये सोचता है कि ये यहां से बच जाएगा, मेरी चंगुल से निकल जाएगा, लेकिन इसको पता नहीं भाई अपने टीममेट्स की मौत का बदला अपन सामने वाले को तड़पा तड़पा के लेते हैं। अब ये बंदा नीचे से ऊपर चला गया, मैं नीचे आया तो मैंने ऊपर एक फुल कुक ग्रेनेड मारा, भाई उसी टाइम पे बच गया, नीचे सीढ़ियों पे आया, मैं ऊपर गया वापस से। हाँ भाई आ गया स्वाद। तो भाई साहब ये वाला आप लोग को क्लच कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। भाई क्या ही बंदे आए जा रहे थे, हमें पहले लगा दो बंदे, फिर लगा तीन बंदे, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी स्क्वाड थी, वो भी भाई रिवाइव हो के आ रहे थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन लोगों को भर के मैं निकला जोन की तरफ, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ रिकॉल पे चल रही थी भैया शॉटगन। अब मैं यहाँ पे आके सामने चर्च के साइड देखता हूँ, वेयर हाउस के साइड देखता हूँ कि भाई यहाँ बंदे हैं कि नहीं है। जब मुझे लगा यहाँ बंदे नहीं है, मैं उड़ के डायरेक्ट ये ऑरेंज वाले घर की छत पे आया, और सामने से भाई बंदों के गदर फुट्स आए, मैंने सीधे मॉली फेंकना चालू करी। ये
तो भाई ओपन में ही फंस गया बेचारा, आग के दरिए में फंस गया। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को ग्रोजस नॉक किया, एक बंदा मॉली से नॉक हो गया, दो बंदे नॉक हो गए। पैनिक से बंदे की फूट साए, और ये भैंस की टांग। भाई इसके भी टीममेट जो नीचे नॉक किए थे रिवाइव हो गए। एक बंदे को तो मैंने नॉक फिनिश डाल दिया। भाई डीबीएस, भाई ऐसे हाथ कांप रहे थे मेरे। मैंने ऊपर जो ग्रेनेड डाला था, एक बंदा नॉक और एक बंदा फिनिश हो गया। अब सिर्फ डीबीएस वाला बंदा बचा। भाई डीबीएस शॉटगन की तो आवाज सुन के ऐसे हाथ पैर कांपने लगते भाई, क्योंकि उनके सामने कुछ नहीं चलता। अब इस बंदे ने स्मोक किया, मैं समझ गया रिवाइव करेगा। मैंने तुरंत सेंजो बीन मारी, छत के साइड गया, लेविटेशन यूज किया एंड कामे हामे हा। और भाई साहब कामे हामे हा का यूज करके यहाँ पे ये वाली स्क्वाड भी खत्म कर दी थी। सेकंड क्लच था, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा भाई साहब। अब उसके बाद यहाँ पे इन बंदों को मारा ही था कि एक और पूरी की पूरी स्क्वाड आके मेरे पे रस कर देती है। भाई साहब बंदे आते कहाँ से जा रहे हैं? मुझे फिलहाल ये दो बंदों की फुटसाए है कार से। मैंने मॉली खींची लेकिन कैंसिल कर दी मैंने यहाँ पे मॉली, क्योंकि वो बंदे पीछे के साइड नीचे के साइड भाग गए। मैं उड़ के जाता हूँ कि वेयर हाउस के साइड से एंगल बना के इनको मारूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई साहब पीछे भी कोई है चर्च के साइड। आपकी बिल्डिंग पे क्या हो रहा है? सामने जैसे ही इस बंदे को नॉक किया मैंने, एक और गाड़ी का साउंड आया डासिया का। मैंने तुरंत ही बूस्ट मारा। और सीधे उड़ के यहां पीछे आया कि इधर से अकाद बंदों को नॉक करूंगा, लेकिन ये अलग स्क्वाड थी। भाई साहब ये बंदे पूरे के पूरे अंदर चले गए। अब स्क्वाड हाउस में एक बंदा था और ये पूरी की पूरी स्क्वाड थी। मैंने राइट में स्मोक किया कि वो बंदे स्मोक में ग्रेनेड मॉली करने के चक्कर में ओपन में आए। भाई एक और बाइक। अब गिली सूट वाले बंदे को मैंने नॉक किया, लेकिन राइट साइड चर्च से मुझे स्प्रे आया। और ले भाई, अरे माँ कसम भाई, MG3 मार रहा है वो बंदा। अब यहाँ पे जो ही बचा हूं मैं, मतलब MG3 मार रहा था वो फुल 6x लगा के। HP देखी थी तुम लोगों ने मेरी? अब यहां पे मैंने इस बंदे को नॉक किया दूर से। ओ भाई हिल के साइड आ गई गाड़ी। मैं कहा यहां तो अब होने वाली बहुत बड़ी दिक्कत। एक काम करता हूँ, पीछे वेयर हाउस के साइड जाता हूँ, अकाद किल मिलेंगे तो उधर से उठाने का ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे करना क्या है। मैं धीरे धीरे उड़ के वेयर हाउस के साइड आया, यहाँ पे सेंजो बीन वगैरह मारी और सामने तो पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी, ये तो कन्फर्म था। अब यहां से जोन जाना था मुझे, तो मैं जल्दी उड़ के जाता हूँ जोन, और तभी डासिया जा रही थी ओपन में। मैंने सोचा कामे हम यहाँ मार के इनका किल उठा लेता हूँ, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो होने वाला है बहुत गलत सीन। उस बंदे ने स्प्रे दिया, हिल के साइड से भी फायर आया, मैंने यहाँ पे स्मोक निकाल के तुरंत ही स्मोक मारा। राइट साइड से स्प्रे आया, लेफ्ट हिल में थे बंदे और पीछे साइड भी बंदे थे, मैं तुरंत स्मोक के अंदर। भाई साहब यहाँ पे जो मैंने IQ लगाया ना ओपन में, तुरंत स्मोक किया और स्मोक के अंदर आके सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सेंजो बीन मारी, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा हिल के साइड बंदे अगर दिख रहे हैं तभी राइट से MG3 चली। मैं तुरंत यहाँ पे लेविटेशन यूज करके लेफ्ट साइड फ्लैंक कर जाता हूँ और यहीं पे मेरी फाइट होने वाली है मर्मोरियस एक्सूट के साथ। यहाँ पे जैसे उड़ गया लेफ्ट साइड पेड़ के पीछे, मर्मोरियस एक्सूट स्पॉट हुआ मुझे। मैं भाई कहा इसको तो मारना ही पड़ेगा। मैंने ग्रेनेड कुक किया लेकिन उस बंदे ने भी सुन लिए थे मेरे फुट्स और पूरा लेफ्ट साइड आ गया वो घूमते घूमते। अब हर जगह से भाई DP M4 सब कुछ चले जा रही थी, UMP वगैरह। मैं लेविटेशन का यूज़ करता हूँ
और ये मर्मोरियस एक्सूट वाले को मारने का प्लान करता हूँ कि भैया इसको ढूंढता हूँ और ये मुझे ओपन में लेटा हुआ दिखाई दिया। वो देखो, मैंने धीरे से पेड़ के पीछे आया, सामने मुझे स्पॉट हुआ नीला नीला, कामे हामे हा का यूज किया और यहाँ पे ब्लड रेवन एक्सूट ने मर्मोरियस एक्सूट को कामे हामे हा से निपटा दिया। था गाइज आज का भाई गेम प्ले जो जबरदस्त है भाई, क्या ही बंदे आ रहे हैं और भाई क्या ही मजा आ रहा है क्लच करके। आप लोगों को भी अगर मजा आ रहा हो तो गाइस कमेंट्स में एक हार्ट तो बनता है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसे लूट रहा था, लेफ्ट साइड से मुझे एक बाइक का साउंड आया, मैंने कहा अच्छा धूम 69। अब भाई बंदा तो मैंने उतार दिया, गाड़ी उसकी चली गई। इस बंदे को मैं लूटता हूँ, तब तक वहां सामने दो स्क्वाड के बीच में चल रही थी फाइट। अब एक डीपी वाला बंदा भाई क्या ही बंदे मार रहा था। मैं यहाँ जैसे दौड़ के आ रहा था, सामने मुझे गिली सूट में एक बंदा स्पॉट हुआ। मैं थोड़ा वेट करता हूँ उसके ओपन में आने का। अब यहाँ पे भाई साहब उस बंदे ने सामने क्लच मार दिया और मैंने यहाँ पे गिली सूट वाले को भी मार दिया। अब जो फाइट थी वो थी 1v1। सामने वाला बंदा भी बहुत खतरनाक था क्योंकि भैया इसके जो किल मैसेज आए जा रहे थे। अब भाई पता चलता है कि अपना फैन ही निकलता है डीपी वाला, तो इससे हम लोग बात करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भाई से भाई ये बोलते हैं कि चलो भाई पेन फाइट करते हैं, तो उनके पे सिकल रहती है, तो भाई बोले चलो हो गया सिकल यूज कर लो, हम पेन यूज कर लेते। एक पेन पड़ा, दो पेन पड़े और इसी के साथ भाई ऑगी भाई की पेटी बन गई। तो गाइज आयु शाउट टू यू ऑगी भाई। आज का गेम पे आप लोगों को गाइज अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं सोच रहा हूँ गाइज कि क्यों ना क्रॉसबो का गेम प्ले लाया जाए, न्यू जो अटैचमेंट आई है बॉम्ब वाली क्रॉसबो की उसका यूज करके। तो क्या बोलते हो कॉमेंट्स में बताना। मिलते हैं एक और ने कमाल के गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।